हेलो बच्चों बच्चों, ये PYQ Day 27 वीडियो लेक्चर है। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना 2022 ये JEE मेंस का क्वेश्चन है। इसमें हमें करना है क्या है, लिमिट फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना, इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द लिमिट, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई फोर, और यहाँ पे क्या गिवेन है, 8√2 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स पे पावर 7। ठीक है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स पे पावर क्या गिवन है, 7 अपॉन क्या है ये, √2 माइनस √2 साइन 2x। अच्छा, लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर तुम न्यूमरेटर में x की जगह पाई बाई फोर डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो न्यूमरेटर जो है ये जीरो को अप्रोच करेगा और डिनोमिनेटर भी जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये क्या हो गया, 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 8√2 कॉन्स्टेंट है ये जीरो हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, 7 × cos x प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इस पे पावर क्या हो जाएगा, 6। फिर कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या है, √2 क्या हो गया हमारा, 0 माइनस √2। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos 2x। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई फोर, और यहाँ से क्या मिल गया, −7 cos x + sin x पे पावर 6, और यहाँ क्या मिल गया, cos x − sin x। ठीक है, अपॉन −2√2 cos 2x। अब चेक करो ये कौन सा फॉर्म है, अभी भी ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें x की वैल्यू इसको हमने अलग कर लिया, इसमें x की वैल्यू क्या हमने डाल दिया, पाई बाई फोर। तो इसमें x की वैल्यू वैल्यू पाई बाई फोर डालोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई फोर −7, ये क्या हो जाएगा, cos पाई बाई फोर 1/√2 प्लस 1/√2, और इस पे पावर क्या, 6, और यहाँ से क्या आ रहा है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन −2√2 cos 2x, ऐसे आ गया। अब ये देखो, 1/√2 प्लस 1/√2 क्या होगा, 2/√2, 2/√2 इज √2, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई फोर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, 7√2 पे पावर 6, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये cos x माइनस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2√2 cos 2x, ऐसे मिल गया। √2 पे पावर 6 क्या होगा, 8, 8 7 56, तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई फोर, इसकी वैल्यू क्या होगी, √2 पे पावर 6 इज 8, 8 7 56, तो 56 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 2√2 cos 2x। ठीक है, फिर अभी अभी भी क्या है ये बच्चों, अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, अभी भी ये 0/0 फॉर्म है। न्यूमरेटर में एक्स की जगह पाई बाई फोर और डिनोमिनेटर में एक्स की जगह पाई बाई फोर डाल के देख लो, ये 0/0 फॉर्म है। अगेन इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने से पहले 56/2√2, ये तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिया, ये हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई फोर, कॉस एक्स का डेरीवेटिव माइनस साइन एक्स, एंड साइन एक्स का डेरीवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस 2x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, −2 sin 2x। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 56 अपॉन 4√2, और यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई फोर, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन 2x। बच्चों अब ये 0/0 फॉर्म नहीं है, अब ये 0/0 फॉर्म से हट गया, लिमिट पुट कर दो, ये क्या होगा, 4 1 4, 4 4 16, तो ये क्या हो गया, 14√2,
और यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स की जगह पाई बाय फोर पुट करो तो 1/√2, साइन पाई बाय फोर इज़ 1/√2 प्लस 1/√2, और यहाँ पे क्या होगा, साइन पाई बाय फोर पुट करोगे तो क्या होगा, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू इज़ 1, तो यहाँ क्या होगा 14/√2, एंड 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, 2/√2 इज़ रूट टू, तो क्या होगा 14/√2 √2, तो ये क्या हो गया 14। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए जो है ना हमारा करेक्ट ऑप्शन, दिस इम्प्लाइज डैट ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर टू में, क्वेश्चन नंबर टू में क्या गिवन है, हमें लिमिट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे क्या गिवन है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई टू टेन स्क्वायर एक्स एंड 2 sin² x प्लस 3 sin x प्लस 4, इस पे पावर 1/2 माइनस sin² x प्लस 6 sin x प्लस 2 पे पावर 1/2। इसका लिमिट फाइंड आउट करना है। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ना यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करना होगा, वो क्या मैं बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास ऐसे लिखा है रूट ए माइनस रूट बी, तो इसको तुम लिख सकते हो रूट ए होल स्क्वायर माइनस रूट बी होल स्क्वायर अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। देखो रूट ए माइनस रूट बी को क्या लिख सकते हो, रूट ए होल स्क्वायर माइनस रूट बी होल स्क्वायर अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। देखो क्यों लिख सकते हो उसको, अगर लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ले जाओगे तो क्या होगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ऐसे हो जाएगा ना, अपॉन रूट अंडर ए प्लस बी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या मिल जाएगा तुम्हें, रूट ए माइनस रूट बी। इसी एक्सप्रेशन को हम, इसी रिजल्ट को यूज़ करेंगे इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए। देखो ये क्या लिखा हुआ, ये ऐसे लिखा है ना, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई टू, और यहां पे क्या लिखा है tan² x, सॉरी यहां पे लिखा है tan² x, और यहां पे क्या लिखा है 2 sin² x प्लस 3 sin x प्लस 4, और ये इसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, माइनस रूट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है sin² x प्लस 6 sin x प्लस 2, इसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है ना। तो इसको हमने क्या किया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई टू, और यहाँ पे लिखा tan² x, इसको हमने क्या किया 2 sin² x प्लस 3 sin x प्लस 4, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, माइनस sin² x प्लस 6 sin x प्लस 2, इसका स्क्वायर कर दिया अपॉन, यहाँ पे क्या लिखा रूट अंडर 2 sin² x प्लस 3 sin x प्लस 4, और प्लस में क्या आ जाएगा रूट अंडर sin² x प्लस 6 sin x प्लस 2, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब तुम ऐसे देखो, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये 0/0 फॉर्म से हट गया, ये हमारा क्या था, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म था, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं रहा, तो अब यहाँ पे ना तुम लिमिट पुट कर सकते हो, यहाँ पे एक्स की जगह पाई बाई टू पुट करोगे तो ये sin² x, ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 + 3 5, 5 + 4 9, ये भी हो जाएगा क्या 6 + 2 8 + 1 9, तो √9 + √9 मिलके क्या हो जाएगा 3 + 3,
वन अपॉन सिक्स, ये क्या बन जाएगा, एक्स की जगह पाई बाई टू पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, रूट अंडर नाइन इज थ्री, ये भी क्या बन जाएगा, रूट अंडर नाइन इज थ्री, तो वन बाई सिक्स आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूअर्ड्स पाई बाई टू, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके क्या आ जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस फोर माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स साइन एक्स माइनस टू, ऐसे आ गया। तो ये हो जाएगा वन बाई सिक्स लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूअर्ड्स पाई बाई टू, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, बचो टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, थ्री साइन एक्स माइनस सिक्स साइन एक्स माइनस थ्री साइन एक्स एंड फोर माइनस टू इज टू। तो ये हो गया वन बाई सिक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टूअर्ड्स पाई बाई टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर एक्स, इसको ना फैक्टराइज कर लो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस टू, तो वन बाई सिक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टूअर्ड्स पाई बाई टू टेन स्क्वायर एक्स, बच्चे यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस टू, माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस टू। तो यहाँ से हमें क्या मिला, वन बाई सिक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टूअर्ड्स पाई बाई टू टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स माइनस वन एंड साइन एक्स माइनस टू। यहाँ पे क्या करोगे, एक्स की जगह पाई बाई टू डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वन, तो माइनस वन को बाहर निकालो, माइनस वन को बाहर निकालो तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई सिक्स लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूअर्ड्स पाई बाई टू। साइन स्क्वायर एक्स को, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स माइनस वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये माइनस वन बाई सिक्स लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूअर्ड्स पाई बाई टू, बच्चे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस वन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस वन बाई सिक्स लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूअर्ड्स पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स, इससे बाहर माइनस निकालो, साइन एक्स माइनस वन से, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हो, वन माइनस साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, वन बाई सिक्स लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूअर्ड्स पाई बाई टू, और यहाँ आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। अब बच्चे लिमिट पुट कर दो, अब ये तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में है नहीं, तो लिमिट पुट कर दो, वन बाई सिक्स साइन पाई बाई टू इज़ वन, तो वन स्क्वायर अपॉन वन प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, वन बाई सिक्स इंटू वन बाई टू, क्या हो जाएगा, वन अपॉन ट्वेल्व, ठीक है कोई ऑप्शन वन बाई ट्वेल्व, हाँ ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोल रहा है, लेट बीटा इज इक्वल्स टू, ये भी बच्चों 2022 का प्रीवियस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है जेई मेंस में, 2022 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, बीटा इज इक्वल्स टू दिस लिमिट फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू आर, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, इसमें हमारे पास क्या लिमिट गिवन है, हमारे पास लिमिट गिवन है, सॉल्यूशन देखो क्या बोल रहा है इसमें,
बीटा का वैल्यू क्या गिवन है, बीटा इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो ए अल्फा एक्स माइनस ई पे पावर थ्री एक्स माइनस वन, थ्री एक्स माइनस वन अपॉन में क्या है अल्फा एक्स ई पे पावर थ्री एक्स माइनस वन। बोल रहा है क्या कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस लिमिट का जो वैल्यू है वो बीटा के इक्वल है फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें ये एक्सप्रेशन दिख रहा है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये लिमिट होता है ना हमारा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो ई पे पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये क्या होता है वन होता है। तो मैं बीटा को ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो अल्फा एक्स माइनस ई पे पावर थ्री एक्स माइनस वन अपॉन अल्फा एक्स, और यहाँ पे डाल दिया ई पे पावर थ्री एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स, थ्री एक्स से डिवाइड किया और थ्री एक्स से मल्टीप्लाई किया। तो ऐसा करने पे ये जो है हमारा ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसका लिमिट क्या हो गया वन। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें बीटा इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो अल्फा एक्स माइनस ई पे पावर थ्री एक्स माइनस वन अपॉन थ्री अल्फा एक्स स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा ना। अब क्या कर सकते हैं, ये हमारा जीरो बाई ज़ीरो फॉर्म में है क्या, एक्स की जगह ज़ीरो डालो तो वन माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म में आ गया। तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म में है तो अब क्या करो इसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लो। तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा माइनस थ्री ई पे पावर थ्री एक्स अपॉन सिक्स अल्फा एक्स, ऐसे आ जाएगा। हमने क्या किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब बच्चों इसमें ना ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा, ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू थ्री, जब अल्फा की वैल्यू थ्री हो। क्यों अल्फा की वैल्यू थ्री हो, बिकॉज यहाँ पे अगर तुम अल्फा की वैल्यू थ्री डालोगे ना तो यहाँ से थ्री कॉमन आ जाएगा और एक स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस लिमिट में, इस लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम क्या करो अल्फा इज इक्वल्स टू थ्री डालो, यहाँ पे क्या करो पुट अल्फा इज इक्वल्स टू थ्री, इसमें अल्फा की वैल्यू थ्री डालो तो बीटा हमें क्या मिल जाएगा, बीटा हमें मिल जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो थ्री माइनस थ्री ई पे पावर थ्री एक्स अपॉन सिक्स इंटू थ्री एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, माइनस थ्री कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई पे पावर थ्री एक्स माइनस वन अपॉन सिक्स थ्री ज़ा एटीन इंटू एक्स। तो ये हमारा क्या आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया अभी। इसमें क्या करो ये थ्री रहने दो, थ्री एक्स रहने दो इंटू सिक्स, अब आ गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो लिमिट क्या हो जाएगा इसका, लिमिट हो जाएगा वन। तो हमें बीटा की वैल्यू क्या मिली, बीटा की वैल्यू मिली हमें माइनस थ्री बाई सिक्स मीन्स माइनस वन बाई टू। हमसे क्या बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो अल्फा का वैल्यू हमें थ्री मिला है, बीटा का वैल्यू माइनस वन बाई टू, तो क्या होगा सिक्स माइनस वन बाई टू विच इज़ फाइव बाई टू। तो हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज डैट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।